हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक डेलाइट चैनल में। जैसा कि आप एमएस वर्ड में कभी भी काम करते हैं या कोई भी फाइल बनाते हैं, तो काम करने के लिए आपको सबसे पहले जो काम होता है वो आपको पेज को सेटअप करना पड़ेगा। पेज सेटअप का मीन आपको उसका मार्जिन सेट करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं पेज की क्या साइज लेनी है, अपन कह सकते हैं जब प्रिंट करेंगे तो पेज कैसा चाहिए आपको, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, मेन पेज खड़ा होना चाहिए या प्रिंटिंग आड़ी आनी चाहिए। तो ये सब कुछ, ये सारी सेटिंग्स आपको देखनी पड़ेगी, फिर आप पेज के अंदर काम कर सकते हो, अपनी फाइल के अंदर काम कर सकते हो। तो इन सब चीजों को ही हम आप देखेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डबल क्लिक करके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स या पेज सेटअप ग्रुप के बारे में। इसके अंदर हम मार्जिन करेंगे, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स जिसको पेज ब्रेक भी कहा जाता है, लाइन, लाइन नंबर्स, हाइफेंटेशन। तो इन सबको सेट करने से पहले या इन सबको यूज करने के लिए हम सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने एक फाइल पहले से बनाकर रखी है, चलिए इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की, जैसे मेरे पास 7 पेज की ये फाइल है, आप जो देख पा रहे हैं, तो इस तरह की मैंने ये फाइल रेडी कर दी। अब इस फाइल के ऊपर मैं सारे के सारे ऑप्शन को यूज करके देखता हूँ। जैसे कि इस टैब का नाम है पेज लेआउट, मतलब पेज का लेआउट कैसा चाहिए, पेज आपको कैसा दिखना चाहिए जब आप प्रिंट करोगे। तो ये सारे काम अपने को पेज लेआउट टैब में मिल जाते हैं। और पेज को सेटअप करना, प्रिंटिंग के लिए आपको पेज को सेटअप करना बहुत ही जरूरी होता है अपन कह सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो है मार्जिन। मार्जिन का मीन ये होता है कि जब आप पेज को प्रिंट आउट निकालोगे तो पेज के चारों साइड, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में आपको कुछ खाली जगह मिलती है, वो चीज ही मार्जिन कह पा रही है। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मेरा टेक्स्ट सिर्फ बीच में लिखा हुआ है, साइड में, लेफ्ट में, टॉप में, राइट में कुछ भी नहीं है, खाली है। और नीचे जाके जब बॉटम में देखूंगा तो बॉटम में भी खाली है। तो ये चीज आपको मार्जिन कहलाएगी और पेज के चारों तरफ ही खाली जगह ही मार्जिन कहलाती है। तो इन मार्जिन का आपको कितना चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो चीज आपको मार्जिन से सेट करेंगे। जैसे मार्जिन के ऊपर क्लिक करूंगा, हमेशा पेज का मार्जिन नॉर्मल होता है। नॉर्मल मीन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से 2.54 सेंटीमीटर चारों तरफ से, तो हमेशा नॉर्मल ही रहता है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर। अगर मैं नैरो करना चाहता हूं तो नैरो चारों तरफ से मार्जिन को कम कर पा रहा है। जैसे आप यहाँ पे लाइनिंग में गैप देख रहे हैं और यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट के अंदर सेंटीमीटर भी कम हो चुके, 1.27 था। तो आप अगर मार्जिन कम करते हैं, नैरो करते हैं, तो आपको मार्जिन कम मिलेगा उसके अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसके नीचे अगर मॉडरेट बता रहा है तो मॉडरेट में टॉप और बॉटम में तो ज्यादा मिलता है और लेफ्ट और राइट में कम मिल रहा है। जैसे मैंने मॉडरेट किया तो आप देख पा रहे हैं ऊपर और नीचे मेरे को ज्यादा मिल रहा है और लेफ्ट और राइट में कम मिल रहा है। अगर मैं वाइड करूंगा तो वाइड के अंदर टॉप और बॉटम में तो ज्यादा कम मिलता है और लेफ्ट और राइट में अपने को ज्यादा मिलता है मार्जिन, जैसा कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। टॉप में 2.54 है और लेफ्ट और राइट में 5.08 है। तो ये चीज आपके पास कुछ टाइप के मार्जिन है जो आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर सकते हो। फिर सबसे लास्ट में दिया हुआ है मिरर। मिरर आपके तब मार्जिन काम आता है जब आप कोई बुक प्रिंटिंग कर रहे हो, तो मेनली ये चीज बुक में काम आती है, नॉर्मल पेजेस में काम नहीं आती। बुक के अंदर कैसे, जैसे टॉप, बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड। टॉप के अंदर कह सकते हैं अगर कोई मार्जिन ऊपर कितना चाहिए, बॉटम में कितना चाहिए, लेकिन बुक के अंदर क्या होता है, इनसाइड होता है और आउटसाइड, मतलब पेज के अंदर कितनी जगह होनी चाहिए और पेज के बाहर की साइड कितनी जगह होनी चाहिए दोनों तरफ। इनसाइड में देखो हमेशा 3.18 ज्यादा मिलेगा और आउटसाइड में आपको सेम मिलेगा, क्योंकि इनसाइड में अगर बुक अगर बाइंडिंग होगी तो बाइंडिंग में थोड़ा स्पेस चला जाता है अंदर, तो जिसलिए अंदर स्पेस ज्यादा देता है। तो ये कुछ आपको मार्जिन सेट करते हैं। अगर आपको नॉर्मल जो सबसे ज्यादातर यूज आते हैं वो नॉर्मल या फिर नैरो काम आते हैं, मैं इसका वापस नॉर्मल कर देता हूँ मार्जिन। तो ये चीज आपने देखी मार्जिन। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन अपन देखेंगे वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीन सिंपल अपन कह सकते हैं इसको, पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट मीन अगर आपको पेज प्रिंटिंग के समय पेज कैसा चाहिए, अगर आपको पेज स्ट्रेट चाहिए, खड़ा चाहिए, तो आप पोर्ट्रेट करेंगे। अगर आपको पेज आड़ा चाहिए तो आप लैंडस्केप करेंगे। ये पेज को खड़ा और आड़ा कह सकते हैं, स्ट्रेट में कह सकते हो सीधा, या फिर कैसे रखना चाहते हो, हॉरिजॉन्टिकल या वर्टिकल में, अगर ऊपर भी आप जान सकते हो उसको। पोर्ट्रेट खड़ा होगा और लैंडस्केप आड़ा होगा। मैं वापस इसको पोर्ट्रेट सेट कर लेता हूँ। फिर आप सबसे मेन चीज सेट करेंगे पेज की साइज, कि जिस पेज पे मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहता हूँ उस पेज की मेरी क्या साइज होती है। नॉर्मल अपन डॉक्यूमेंट को A4 साइज पे ही प्रिंट कराते हैं। A4 की नॉर्मल साइज होती है 21 सेंटीमीटर × 29.7 सेंटीमीटर, तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी साइज होती है और नॉर्मल पेज A4 साइज पे ही प्रिंट करते हैं। जैसे हम फोटोकॉपी के पेज हम देखते हैं वो नॉर्मल A4 साइज के ही होते हैं अपने को। अगर आपका कौन सा पेज है, B5, A5, एग्जीक्यूटिव, लीगल, लेटर, B4, A3, जो पेज है आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे A3 पेज A4 का डबल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो A3 पेज A4 का डबल होता है। अगर नॉर्मल प्रिंट करना तो नॉर्मल A4 पेज साइज मैंने ली भी है, तो ये चीज आप सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपके सेट कॉलम चीज मिलती है, कॉलम।
कॉलम का मीन ये होता है, जैसे आप जैसा कि आप न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो, आपको कोई भी पैराग्राफ है या कोई भी आर्टिकल आपको अलग अलग कॉलम में बांटे हुए होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कभी नीचे से नीचे स्टेटमेंट ही नहीं लिखा हुआ होता है, तो वही चीज कॉलम के अंदर होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर आपको पैराग्राफ चाहिए, उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करके फिर कॉलम के अंदर इसको कितने कॉलम में बांटना है, दो में, तीन में, लेफ्ट और राइट। मेरे को जैसे इसको टू में बांटना है तो मैं इसको टू पार्ट में बांट देगा, इसको अगर मैं चाहता हूँ थ्री में बांटना है तो इसको तीन पार्ट में बांट देगा। अगर आप करते हो लेफ्ट तो लेफ्ट साइड में ये कम देगा और राइट साइड में ज्यादा देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में कम है और राइट में ज्यादा है। अगर मैं राइट करता हूँ तो राइट में कम देगा और लेफ्ट में ज्यादा देगा। तो ये चीज होती है, अपन कह सकते हैं कितने कॉलम्स में बांटना है। अगर आप इससे तीन कॉलम हाइएस्ट पे है, इससे ज्यादा बांटना है, अगर आपको ज्यादा में डिवाइड करना है तो मोर कॉलम्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए, कितने कॉलम चाहिए आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स की साइज बढ़ा दीजिए तो आपको उतने कॉलम ये बना के दे देगा। जितने कॉलम चाहिए आप ले लीजिए, फिर ओके के ऊपर क्लिक करिए। जैसे मैंने फोर ले लिया है तो यहाँ पे ये चार कॉलम में बांट देगा, 1, 2, 3, 4। और आपको अगर पैराग्राफ थोड़ा सही चाहिए तो होम टैब में जाइए और ओरिएंटेशन इसका अलाइनमेंट आप जस्टिफाई सेट कर लीजिए तो आपको एकदम परफेक्ट मिल जाएगा आपका जो पैराग्राफ लिखा हुआ है। नहीं चाहिए, मैं वापस इसको कंट्रोल जेड करके सही कर लेता हूँ कि मेरे को किस टाइप का पैराग्राफ चाहिए। अगर आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके नहीं करते और डायरेक्ट कर लेते हैं इसमें कॉलम के अंदर, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ में कॉलम में बांट देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये चीज कॉलम में बांटने के लिए नहीं चाहिए, तो मैं वापस नॉर्मल वन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं तो पूरा डॉक्यूमेंट जैसा मेरा पहले था वापस वैसा का वैसा हो गया है। फिर आपको मिल रहा है ब्रेक। ब्रेक का मेन मतलब ये होता है, आपको पेज ब्रेक के अंदर काम आता है। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने इंसर्ट टैब के अंदर देखा था पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का सिंपल मीन ये होता है कि अगर आप जहां से काम कर रहे हैं उसके नीचे वाला पैराग्राफ आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है तो उसके लिए पेज ब्रेक काम आता है। तो यहाँ पे भी ब्रेक कुछ इसी तरह से काम आएगा। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर अभी इस जगह पे है, यहाँ पे सेट किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा कलर दे देता हूँ ताकि कुछ इफेक्ट हो, या फिर आपको किसी नई लाइन पे जाए तो आपको कुछ पता चल सके। सेलेक्ट किया मेरा कर्सर, यहाँ पे रखा, पेज लेआउट में गया, ब्रेक के ऊपर गया और ब्रेक पेज ब्रेक के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जहां से मैंने कर्सर रखा था वहां से उस पैराग्राफ को वो कट करके न्यू पेज पे नेक्स्ट पेज पे उसने शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज कहलाती है पेज को ब्रेक करना नॉर्मली, तो ये चीज पेज ब्रेक कहलाता है। नहीं चाहिए, वापस कंट्रोल प्लस जेड करके मैंने इसको सही कर लिया। अब मैं चाहता हूं जैसे कॉलम ब्रेक, जैसे पेज को ब्रेक करे तो उसी तरह कॉलम को भी ब्रेक करते हैं, लेकिन कॉलम ब्रेक के लिए सबसे मेन चीज ये होती है कि आपको कॉलम में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक आप कॉलम में डिवाइड नहीं करेंगे तो उसको कॉलम को ब्रेक नहीं कर पाएगा। मैंने टू कॉलम के अंदर इसको लिया, मैं चाहता हूं यहां से मेरे को इस कॉलम को ब्रेक करना है, तो जैसे मैं इस कॉलम को यहां से ब्रेक करूंगा, मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं, कंट्रोल प्लस बी सेलेक्ट करा, अगर मैं इसको कॉलम ब्रेक करता हूं, थोड़ी पेज जूम कर लेते हैं, मेरा कर्सर मैंने कहां पर रखा, यहां पर रखा, कॉलम को ब्रेक करना है। जैसे ब्रेक के अंदर जाके कॉलम ब्रेक करूंगा तो मेरा पैराग्राफ जो एक कॉलम से नेक्स्ट कॉलम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ये कॉलम के अंदर ही लेके जाएगा, नेक्स्ट पेज पे नहीं लेके जा रहा क्योंकि हम कॉलम ब्रेक को यूज ले रहे हैं, कॉलम ब्रेक का काम कर रहे हैं। तो नहीं चाहिए, वापस कंट्रोल प्लस जेड किया मैंने, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल जेड वापस करके इसको नॉर्मल करके सही कर दिया। फिर आपके सामने मिल रहा होगा लाइन नंबर, तो अब आप देख रहे होंगे लाइन नंबर तो मैं यहां से भी दे सकता हूं, लेकिन ये आप लाइन नंबर नहीं है, पॉइंट नंबर दे रहे हैं, ये चीज अलग है और पेज लेआउट के अंदर ये लाइन नंबर अलग है। अगर आपने जो लाइन लिखी जैसे 1, 2, 3, 4 तो कुछ इस तरह के लाइन नंबर बताएगा, तो लाइन नंबर के ऊपर जैसे क्लिक करा, फर्स्ट लिखा हुआ नन, मेरे को नन मतलब कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस करते हो तो आपको लगातार लाइन नंबर देता जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जितना आपके पास डॉक्यूमेंट होगा कंटिन्यूस आपको लगातार ये बताते जाएगा कितने कॉलम। मेरा लास्ट है अपन कह सकते हैं 288, मैंने जैसे इस पे एंटर करूंगा तो आगे से आगे लाइन नंबर बनती जाएगी। नहीं चाहिए, बैकस्पेस करके हटा दो, मैं वापस पेज के शुरुआत में चला जाता हूं सबसे ऊपर। ये चीज लाइन नंबर चाहते हैं, अगर आप लाइन नंबर लगातार नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ लाइन नंबर हर एक पेज से मेरे को वापस वन से स्टार्ट होना चाहिए, तो अपन ये यहाँ पे करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज। जैसे रीस्टार्ट ईच पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी जो लाइन नंबर है वो वापस वन से शुरू कर देगा। देखिए एक पेज पे खत्म करी 41 से, नेक्स्ट पेज पे वापस वन से शुरू कर दी, उस नेक्स्ट पेज पे 41 तक उसने फिनिश करी और नेक्स्ट पेज पे वापस उसने वन से शुरू कर दी। तो ये चीज कहलाएगा आपके सामने लाइन नंबर। अगर आपको लाइन नंबर नहीं चाहिए तो आप नन करके इसको हटा सकते हैं वापस लाइन नंबर को। फिर आपके सामने लास्ट जो ऑप्शन मिल रहा है पेज सेटअप का वो है हाइफेंटेशन। हाइफेंटेशन का बेसिक मीन ये होता है कि आप इसका मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे नाम से, लेकिन ये मेनली आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा, जो हायर बुक्स आपके 10th, 12th, 11th, 12th की बुक्स में ज्यादातर ये चीज मिल जाती है। हाइफेंटेशन का मीन अपन कह सकते हैं जैसे ये लास्ट में मेरा वर्ड लिखा हुआ है एजुकेशन, अगर मैं एजुकेशन को यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाता बुक वाले मेनली क्या करते हैं, जैसे सी तक यहाँ तक आ गया, आगे वो एक डैश लगा लेते हैं और बाकी वाला जो वर्ड होता है
उसको वो नीचे नेक्स्ट वाली लाइन में लिखते हैं ताकि वो स्पेस को कवर कर सके आगे। तो यही मेन चीज हाइफेंटेशन होगा। आपको इसमें मैनुअली कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं होती, आप हाइफेंटेशन के ऊपर क्लिक करिए। आप ऑटोमेटिक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे भी हाइफेंटेशन की इसको रिक्वायरमेंट होगी, इसको लगेगा कि हाइफेंटेशन लगाना है, ये ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर सेट कर लेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं CENTRE AB के बाद डॉट लगाया AHY अभय, तो जहां जहां पे इसको रिक्वायरमेंट होगा ये ऑटोमेटिक आपके पास सेट करता रहेगा। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे मिल रहा है ये चीज मिल रही है, यहाँ पे ये चीज मिल रही है, यहाँ पे ये चीज मिल रही है, तो ये सारा इसने हाइफेंटेशन दिया हुआ है। तो ये चीज मेनली हाइफेंटेशन होती है, नहीं चाहिए वापस आप नन कर लो। अगर आप मैनुअली हाइफेंटेशन करते हो, मैनुअली का मीन अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको आप हाइफेंटेशन देना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर मैनुअली भी यहाँ से डिसाइड करके इसका हाइफेंटेशन सेट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ही वर्ड पे हाइफेंटेशन सेट होता है, लेकिन आप इस पे ऑटोमेटिक पे सारे वर्ड्स पे ऑटोमेटिक हाइफेंटेशन सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज को सेटअप करना देखा कि आप जब पेज के अंदर काम करोगे, डॉक्यूमेंट के अंदर काम करोगे तो कैसे उसको सेटअप करना है, कैसे उसको सेट करना है, फिर आप अपना काम कर सकते हो ताकि जब पेज का प्रिंटआउट निकालो तो आपको सही तरीके से और आपका प्रिंटआउट एकदम परफेक्ट निकले तो कोई आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आए। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या क्या सीखने को मिला, अगर आपको कुछ डाउट्स है प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, आपकी इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।